मैं सुनील चौधरी दीप होम जयपुर से और वेलकम है आपका एक नए प्रॉपर्टी टूर में। दोस्तों आज की प्रॉपर्टी बड़ी प्यारी होने वाली है। 150 गज में बनी हुई है, 22.5 फीट का फ्रंट है, 60 फीट की डेप्थ है और काम इसमें आपको बहुत ही प्यारा मिलने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रंट एलिवेशन की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डबल स्टोरी आपका ये हाउस है और इसमें सामने की तरफ एलिवेशन में आप देखेंगे तो काफ़ी प्रीमियम आपको काम मिलने वाला है। यहाँ पे आप वुडन फिनिश का जो भी काम देख रहे हैं कंप्लीट आपको एल्यूमिनियम में मिलेगा। साथ ही जो पोल वगैरह का जो काम है कंप्लीट आपको एल्यूमिनियम का काम दिया गया है ताकि इन फ्यूचर जो है इनकी लाइफ ज़्यादा रहे और रस्ट वगैरह की कोई दिक्कत ना हो। अब यहाँ पे आप बाउंड्री वॉल देखते हैं तो इसकी भी आप फिनिशिंग देख सकते हैं, बड़ी प्यारी दी हुई है। नीचे की तरफ यहाँ पे कुछ पौधे लगाए हुए हैं और यहाँ पे लाइटिंग वगैरह का पूरा काम आप देख लीजिए। यहाँ पे आपका वीडियो डोर फोन जो सिस्टम है वो मिल जाता है। 150 गज की आज की ये प्रॉपर्टी जयपुर शहर में वैशाली वेस्ट महाराणा प्रताप मार्ग पे बनी हुई है। रंगोली गार्डन से वॉकिंग डिस्टेंस पे है, मेन रोड से जस्ट 20-30 मीटर की डिस्टेंस पे है, घर के सामने की तरफ 40 फीट रोड है और आपका जो डोर है यहाँ पे मेन जो आपका गेट है वो देखिए हैवी और शानदार डिज़ाइन के साथ में देखिए तैयार किया हुआ है। एलिवेशन आपने देख ही लिया। तो जैसे ही आप पार्किंग एरिया की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आप फ्लोरिंग देख सकते हैं, पूरा का पूरा काम आपको प्रीमियम मिलने वाला है। सामने की तरफ आप जो डिज़ाइन दी हुई है वो एक बार देखिए, ऊपर की तरफ की डिज़ाइंस है वो यहाँ पे आप एक बार देखिए। 22.5 फीट का फ्रंट है प्रॉपर्टी का, 60 फीट की डेप्थ है और ईस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी है। अब देखिए जैसे ही आप एंटर करेंगे, एंटर करते ही लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे आपका एक छोटा देख सकते हैं, दो भी यहाँ पे लगाई हुई है, कुछ प्लांटेशन आप यहाँ पे कर सकते हैं। साइड वॉल जो है उस पर जो डिज़ाइंस दी हुई है, लाइटिंग दी हुई है वो एक बार आप देखिए, ऊपर की तरफ की जो लाइटिंग है वो यहाँ से एक बार देखिए। CCTV कैमराज आपको यहाँ पे ऑलरेडी देखिए लगा के दिए जा रहे हैं, हर एक चीज़ का यहाँ पे घर में ध्यान रखा है। यहाँ पे आपका मीटर बॉक्स है, सामने की तरफ देखेंगे आप तो ग्लास और ग्रिल्स के साथ में बड़ी विंडो यहाँ पे दी हुई है और ये है आपका मेन डोर। और इसकी जो फिनिशिंग है, जो डिज़ाइन है वो एक बार आप देखिए, थोड़ा सा क्लोज लुक। यहाँ पे हैंडल वगैरह आप देख सकते हैं किस तरह की डिज़ाइन में है। और अब हम एंटर करते हैं इस प्यारे से हाउस के ड्राइंग एरिया में। देखिए इस हाउस में आपको 4 बेडरूम मिलेंगे, साथ ही एक आपका थिएटर रूम है, रूफटॉप गार्डन एरिया, बार एरिया, बहुत ही परफेक्ट तरीके से सारी ही चीज़ें यहाँ पे आपको मिलने वाली है। ड्राइंग एरिया में सबसे पहले आप कलर कॉम्बिनेशन देखिए, यहाँ पे आपका सोफ़ा जो है सेंटर टेबल के साथ में अरेंज किया हुआ है। बैक साइड की वॉल पे आप देखते हैं तो बड़ा प्रीमियम काम मिलने वाला है। AC आपकी यहाँ पे ऑलरेडी फिटेड है। इस साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे कर्टन दिए हुए हैं और जो विंडो है आपकी वो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं। ग्रिल्स का अंदर की तरफ यूज किया हुआ है। अब देखिए सामने की तरफ, तो आप सामने की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे एक पार्टीशन है आपका, LED पैनल यहाँ पे तैयार किया हुआ है, LED आपकी ऑलरेडी यहाँ पे लगी हुई है। जस्ट उस साइड में आपका डाइनिंग एरिया है। तो कंप्लीट हाउस टूर अभी हम करने वाले हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और ऐसे और भी प्रॉपर्टी वीडियोस देखने के लिए आपको चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब। और अब देखिए आप एक बार इसकी सीलिंग डिज़ाइन आपके ड्राइंग एरिया की। यहाँ भी आप देखेंगे तो पार्टीशन देख सकते हैं आप किस तरह से किया हुआ है। देखिए अंदर की तरफ इसमें टफन मिरर का यूज किया हुआ है। अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ, तो देखिए सिटिंग अरेंजमेंट आपका ड्राइंग एरिया में मिल गया और यहाँ पे आपका जो लिविंग एरिया है यहाँ भी आपको एक बढ़िया देखिए सिटिंग अरेंजमेंट करके दिया गया है। इस घर में आप कलर कॉम्बिनेशन देखेंगे तो भाई बड़े प्यारे दिए गए हैं।
देखिए आपका यहाँ पे जो सोफा अरेंज किए हुए हैं अराउंड 8 से 10 सीटर ये दिए गए हैं, और सेंटर टेबल की आप डिजाइन देख सकते हैं, थोड़ा सा एक बार क्लोज लुक देखिए आप। वॉल पे जो डिजाइन है वो आपने यहाँ पे देख ही ली, और अब एक बार यहाँ पे जो सीलिंग डिजाइन है वो आप देखिए। अब हम चलते हैं आपके ड्राइंग एरिया से, हमने लिविंग एरिया देखा और अब हम देखेंगे आपका डाइनिंग एरिया और मॉड्यूलर किचन। देखिए ईस्ट फेसिंग की प्रॉपर्टी है तो साउथ ईस्ट में है आपका मॉड्यूलर किचन, और इस साइड से आप एक बार देखिए आपका जो स्टेयर्स का पार्ट है वो, इनमें आप देखेंगे तो पूरा ग्रेनाइट का काम है सीढ़ियों में। नीचे की तरफ यहाँ पे जो है आपको एक वॉश बेसिन एरिया दिया हुआ है, एक बार आप जो डबल हाइट तक ओपन एरिया है आपका वो भी देखिए। ऊपर की तरफ बढ़िया जो लाइटिंग है वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। अब हम मूव करते हैं आपके डाइनिंग एरिया की तरफ, तो यहाँ भी आप पार्टीशन देखेंगे तो बड़े यूनिक और शानदार क्वालिटी के साथ में है। देखिए इनमें कुछ आप डेकोरेटिव आइटम अगर रखना चाहे तो रख सकते हैं, और जो डाइनिंग एरिया है आपका वो आपको यहाँ पे 6 सीटर दिया गया है। सीट्स वगैरह आप देख ही सकते हैं, सब कुछ प्रीमियम क्वालिटी में है। बैक साइड में जो वॉल है उस पर लाइटिंग का काम देख सकते हैं, वुडन का भी काम है, और एसी आपकी यहाँ भी लगी हुई है। एक बार आप यहाँ पे जो सीलिंग है वो लाइटिंग का काम है वो देखिए, और फिर मूव करते हैं हम किचन की तरफ। तो किचन आपका पूरा देखिए फेबर में तैयार किया हुआ है, और बढ़िया कलर के साथ में पूरा फर्नीचर का काम है। स्टार्ट करते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे देखेंगे आप तो बड़ा आपका एक रेफ्रिजरेटर है, हर एक चीज़ आपकी यहाँ पे ब्रांडेड यूज़ की हुई है। ऊपर की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे बड़े आपके कैबिनेट दिए हुए हैं ये देखिए, और इनमें वुडन से जो है रैक्स तैयार की हुई है, तो स्टोरेज की तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। सामने की तरफ इस साइड में देखेंगे तो आपकी फेवर की जो है चिमनी है, बर्नर आपके हैं, और ड्रॉवर्स देखेंगे तो ये देखिए सॉफ्ट क्लोजर के साथ में है। इस साइड में है आपका सिंक एरिया, सैनिटरी फिटिंग आपकी पूरी ब्रांडेड है, इलेक्ट्रिक फिटिंग आपकी पूरी ब्रांडेड है। सामने की तरफ अब देखेंगे आप तो एक एल शेप में यहाँ पे टफन के साथ में, ग्रिल्स के साथ में एक फिक्स ग्लास दिया हुआ है, और साइड में है आपके विंडो का ऑप्शन। तो किचन आपने देखी बढ़िया है, साइज भी अच्छी है, और पूरी चीज़ें देखिए, स्टोरेज स्पेस आपको इसमें बहुत ज़्यादा दिया गया है, वेंटिलेशन प्रॉपर है, सीलिंग डिजाइन एक बार आप यहाँ पे देखिए। अब हम मूव करते हैं आपके बेडरूम की तरफ। दोस्तों ये प्रॉपर्टी आपको कैसी लगी आप कमेंट में मेरे को एक बार ज़रूर बताइएगा। अब देखिए जो आपका वीडियो डोर फोन जो है उसका स्क्रीन यहाँ पे दिया हुआ है, और ये है आपका बेडरूम। अब बेडरूम में आप सबसे पहले जैसे ही मूव करते हैं आपको दिखेगा एक प्यारा सा किंग साइज का एक आपका डबल बेड, और बेड पे मैटर्स वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो ऑलरेडी आपकी यहाँ पे लगी हुई है। बैक साइड की वॉल पे देखते हैं तो पूरा डिजाइनर वर्क है, लाइटिंग का काम आपको प्रॉपर यहाँ पे दिया हुआ है। साइड वॉल पे आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए पेंटिंग्स वगैरह का काम जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, और सामने की तरफ आपका एलईडी पैनल, साइड में कुछ वुडन का काम किया हुआ है। अब एक बार आप सीलिंग डिजाइन देखिए, और यहाँ पे जो आपका ड्रेसिंग एरिया है, आपका जो वॉशरूम है उसमें आप जैसे ही यहाँ से एंटर करते हैं तो इसमें सेंसर जो लाइट्स है वो आपकी दी हुई है। सबसे पहले मिरर देखिए, बड़ी साइज में मिरर है, और साइड में आप वॉल पेनलिंग के साथ ही देख सकते हैं यहाँ पे डबल आपकी वार्डरोब है, और वार्डरोब में भी देखिए एक बार आप स्टोरेज के लिए जो जगह है वो काफी बढ़िया है। इस साइड में दी हुई है आपको छोटी विंडो, और यहाँ पे है आपका वॉशरूम। इसमें देखिए आप वॉशरूम में सबसे पहले तो जो काम है टाइल्स का पूरी जो हाइट है सीलिंग की वहां तक किया हुआ है,
आपका गीजर ऑलरेडी लगा हुआ है और जो सावर एरिया है वो आप देख सकते हैं पूरा यहाँ पे सेपरेट है। यहाँ पे आपकी वॉल माउंटेड वेस्टर्न सीट दी हुई है। इस साइड में है आपका वॉश बेसिन एरिया, काउंटर टॉप जो है वॉश बेसिन आपका यहाँ पे तैयार किया हुआ है। बड़ा मिरर आपका यहाँ भी है। एग्जॉस्ट आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ है और यहाँ भी वुडन फिनिश के साथ में कुछ काम किया हुआ है। कंसीड लाइट वगैरह प्रॉपर दी हुई है। तो आप देख रहे होंगे ये वाली जो प्रॉपर्टी है इसमें इंटीरियर आपको बड़ा यूनिक और प्यारा मिल रहा है। अब यहाँ पे कर्टन के साथ ही आप देखते हैं तो UPVC स्लाइडिंग डोर दिया हुआ है और यहाँ पे है आपका यूटिलिटी एरिया। वॉशिंग मशीन आपको रखनी हो तो आप रख सकते हैं। दोस्तों ये देखा हमने यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर इस प्रॉपर्टी का। अब हम मूव कर रहे हैं आपके फर्स्ट फ्लोर की तरफ। और अब तक आपने वीडियो को लाइक तो कर ही दिया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी आप कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं आपको बड़ी प्रीमियम प्रॉपर्टी और भी दिखाने वाला हूँ। सीढ़ियों में आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि जब भी आप जो है स्टेज का जो पार्ट है आपका, रेलिंग का जो पार्ट है, उसमें ग्लास का यूज करते प्रॉपर, तो भाई लुक बड़ा प्यारा निखर के आता है और वो आप चीज़ यहाँ पे देख ही रहे हैं। अब हम मूव कर रहे हैं आपके फर्स्ट फ्लोर पे और यहाँ पे आपको मिलेगा एक बढ़िया आपका सेंट्रल हॉल। और यहाँ पे आप एक बार जो पूरा जो लुक है इसका वो देखिए। अब ये वाला जो पार्ट है आपका सिटिंग एरिया यहाँ पे तैयार किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सोफा, आराम से 8 सीटर से 10 सीटर तक का ये सोफा है आपका। बैक साइड की जो वॉल है पूरी इस पे देखिए वुडन का काम किया हुआ है। और यहाँ पे है आपका एक प्यारा मंदिर, ये देखिए। यहाँ पे नीचे की तरफ देखिए कैबिनेट तैयार किए हुए हैं। अब एक बार आप इसका सीलिंग जो डिजाइन है वो देखिए। और इस साइड का जो पार्ट है वो आप देखिए एक बार किस तरह की डिजाइन के साथ में है। दोस्त इस फ्लोर पे अब 3 बेडरूम है। ग्राउंड फ्लोर पे देखा था आपने 1 बेडरूम, यहाँ पे है 3 बेडरूम। और इसके ऊपर के एरिया पे मिलेगा आपको थिएटर रूम, आपका रूफटॉप गार्डन। तो पहले देख लेते हैं हम यहाँ पे जो आपका बेडरूम है फ्रंट एरिया की तरफ। देखिए बेडरूम नंबर यहाँ पे 1, बेडरूम नंबर 2 और यहाँ पे है आपका एक वॉशरूम जो कि कॉमन प्लस अटैच दोनों ही तरह से आप यूज कर सकते हैं। पहले हम लोग चलते हैं इस बेडरूम में। तो यहाँ आप आते हैं तो सबसे पहले आपका जो बेड है वो आप देखिए, और बैक साइड की जो वॉल है उस पे आप प्रॉपर जो डिजाइंस दी हुई है वो देख ही सकते हैं लाइटिंग किस तरीके की है। और यहाँ पे है आपका एक स्लाइडिंग डोर के साथ में एक बढ़िया सा प्यारा सा किचन। एक चीज़ तो आपने देखी होगी कि इस घर में जितना भी काम किया हुआ है पूरा आपको मॉडर्न मिलने वाला है और प्रीमियम क्वालिटी के साथ में है। ये आपका वार्डरोब सेक्शन देखा आपने, सामने की तरफ आप देखते हैं तो यहाँ भी पूरा ये वुडन का काम किया हुआ है। LED आप लगाना चाहे तो यहाँ भी लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो फ्रंट का रूम है आपका, 2 रूम है तो दोनों ही रूम कनेक्ट करते हैं बालकनी एरिया से। यहाँ पे देखेंगे आप तो कर्टन के साथ ही UPVC यहाँ पे 3 ट्रे का आपका स्लाइडिंग डोर है। और ये देखिए अब हम आ चुके हैं बालकनी एरिया की तरफ। तो बालकनी भी देख सकते हैं आप बढ़िया साइज में है। और यहाँ से एक बार जो ऊपर की डिजाइन है वो देखिए। अब हम मूव करते हैं आपके इस फ्लोर के 2nd बेडरूम की तरफ। इस प्रॉपर्टी की जो रेट है वो है 2,50,00,000 रुपए। डिटेल कंप्लीट डिस्क्रिप्शन में मेंशन की हुई है, मोबाइल नंबर वहाँ पे दिए हुए हैं। अगर आप इस प्रॉपर्टी की विजिट करना चाहते हैं तो नीचे जो नंबर है उन पर कॉन्टेक्ट कर विजिट कर सकते हैं। ये आपका वॉशरूम है जो कि कॉमन प्लस अटैच दोनों ही तरह से आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो 2nd डोर है इसका वो दिया हुआ है वॉशरूम का। और अब हम मूव कर रहे हैं आपके बेडरूम नंबर 2 की तरफ फर्स्ट फ्लोर के। और ये है आपका एक
छोटा रूम या फिर मैं कहूँ किड्स रूम, बेड यहाँ पे आप देख ही सकते हैं। एंड बैक साइड की जो वॉल है पूरी डिजाइनर लुक के साथ में है, सीलिंग डिजाइन आप देखिए। और जो सामने की वॉल है यहाँ भी आप जो काम है वो देख सकते हैं, बड़ा प्रीमियम है। इस साइड में है आपका वार्डरोब सेक्शन और इसमें देखिए आप लाइटिंग का भी जो काम है वो प्रॉपर दिया हुआ है, सेंसर जो लाइट्स है आपकी वो यहाँ पे है। तो ये आपका स्टोरेज स्पेस हुआ और यहाँ पे कर्टन के साथ ही आप देखते हैं तो यू पीवीसी स्लाइडिंग डोर दिया हुआ है जो कि कनेक्ट कर जाता है आपकी बालकनी से, जो बालकनी अभी हमने देखी थी। अब हम मूव करते हैं बेडरूम नंबर 3 की तरफ और इस हाउस के बेडरूम नंबर 4 की तरफ। अब यहाँ से आप ये वाला जो लुक है पूरे घर का वो देखते हुए आइए। और यहाँ पे जो बेडरूम है आपका, इस बेडरूम में देखेंगे तो इसमें जो डिजाइंस दी हुई है बैक जो वॉल है उसकी, वो बड़ी यूनिक है। एक बार थोड़ा सा क्लोज लुक देखिए, यहीं से एक बार सीलिंग डिजाइन देख लीजिए आप। और सामने की तरफ आप देखते हैं तो जो वॉल है उसको पूरा यहाँ पे देखिए वुडन वॉलपेपर के साथ में तैयार किया है। एक एलईडी के लिए आपको प्लेटफॉर्म यहाँ पे मिल जाता है, एलईडी लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। नीचे की तरफ यहाँ पे स्टोरेज के लिए आपको ड्रॉवर दिए हैं। दोस्तों अभी हम ऊपर के फ्लोर पे चलेंगे तो भाई बड़ा प्यारा और शानदार काम आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही यूनिक। पहले देखिए यहाँ पे जो आपका वार्डरोब सेक्शन है, यहाँ भी सेंसर लाइट्स दी हुई है, डबल आपकी वार्डरोब है पूरी सीलिंग की हाइट तक। और इसमें भी देखिए काफी डीप है। सामने की तरफ बड़ा एक मिरर और यहाँ है आपका अटैच वॉशरूम। वॉशरूम में आपको टाइल्स जो है थोड़े अलग कलर के साथ में मिलेगी, नीचे के फ्लोर पे आपको अलग कलर कॉम्बिनेशन मिल रहा था। और यहाँ भी देखिए आपको जो है यहाँ पे आपका जो वॉश बेसिन है वो कुछ इस तरह की डिजाइंस के साथ में दिया जा रहा है। यहाँ भी आपका यूटिलिटी एरिया है, कर्टन वगैरह देखिए यहाँ पे दिए हुए हैं, यूपीवीसी स्लाइडिंग डोर आपका है, पीछे की तरफ जो है आपका यूटिलिटी एरिया। दो फ्लोर हमने देखे और अब हम मूव कर रहे हैं आपके ऊपर के फ्लोर की तरफ जहाँ पे बड़ा प्यारा काम किया हुआ है। तो आइए फटाफट ऊपर की तरफ। सबसे पहले तो आप यहाँ पे आते हैं तो आपको देखिए बढ़िया सा एक जो है लाइटिंग का काम वो देखने को मिलेगा। सबसे पहले देखिए मैं आपको ये वाला जो पार्ट है ये दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे जो लाइटिंग का काम है वो थोड़ा सा इनका क्लोज लुक दिखाइए। और नीचे की तरफ का जो एरिया है वो आप यहाँ से देखिए, अब देखिए यहाँ भी कुछ जगह दी हुई है, कुछ आप सामान स्टोर करना चाहे तो यहाँ पे कर सकते हैं। आगे की तरफ यहाँ पे फिक्स ग्लास दिया हुआ है, कर्टन हटाएंगे तो पूरे घर में जो है रोशनी यहाँ से रहने वाली है क्योंकि पूरा डबल हाइट तक यहाँ से ओपन छोड़ा हुआ है। और अब देखिए आप यहाँ पे जो सामने का आपका पार्ट है वो यहाँ पे आपको एक सिटिंग अरेंजमेंट दिया हुआ है, सोफा आपका लगाया हुआ है। बैक जो वॉल है यहाँ पे उस पर आप डिजाइंस देख सकते हैं वॉलपेपर एंड वुडन के साथ में। और यहाँ पे एक जो है आपके लिए काउंटर तैयार किया हुआ है, बार काउंटर, तो आप अगर चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें आपके लिए देखिए यहाँ पे अवेलेबल है। इसका भी आप जैसे कलर वगैरह देखेंगे यहाँ पे काउंटर का तो काफ़ी प्यारा और सुंदर दिया हुआ है। सीलिंग डिजाइन यहाँ पे आपने देख ही ली होगी पूरी की पूरी। अब मैं आपको ले चलता हूँ एक बहुत ही प्यारे और प्रीमियम आपके थिएटर रूम की तरफ। देखिए यहाँ भी एसी दी हुई है और ये है आपका एक बहुत ही प्यारा सा प्रीमियम क्वालिटी के साथ में आपका थिएटर रूम। यहाँ पे आप देखेंगे तो जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो आप देख सकते हैं किस तरीके का है, ये देखिए। अब यहाँ पे साइड में आप देख सकते हैं जो काम किया हुआ है वो किस तरीके का है, आपके सोफा वगैरह यहाँ पे लगे हुए हैं। बैक साइड में आप देखते हैं पूरा का पूरा काम देखिए किस तरीके का है। और जो आपका पूरा सिस्टम है थिएटर का वो ऑलरेडी यहाँ पे
लगा हुआ है, यहाँ पे एक बड़ी एक पेंटिंग का काम किया हुआ है। और सामने की तरफ आप देखते हैं तो आपकी जो स्क्रीन है वो यहाँ पे है, और बाकी स्पीकर वगैरह पूरी ही चीज़ें यहाँ पे है। एक बार सीलिंग डिज़ाइन जो है वो पूरी यहाँ पे देखिए आप। अब देखिए यहाँ पे ये जो कॉर्नर है आपका, यहाँ पे एक छोटी पेंट्री की जगह दी हुई है, छोटा एक वॉश बेसिन आपका तैयार किया हुआ है। और यहीं पे आपको मिल जाता है एक आपका वॉशरूम एरिया, एक बार वॉशरूम देखिए आप। देखिए थिएटर रूम में आपके प्रोजेक्टर वगैरह सारी ही चीजें यहाँ पे लगाई हुई है। आगे की तरफ आप यहाँ पे जाते हैं तो आपका शावर एरिया भी है यहाँ पे। तो आप कमेंट में मेरे को जरूर बताइएगा कि इस घर में सबसे प्यारी चीज क्या लगी। वैसे तो ये जो घर है पूरा का पूरा ही बहुत ही प्यारा है, फ्रंट इसका बहुत अच्छा है, साथ ही इसमें काम आपको बहुत ही अच्छा मिल जाता है, लेआउट इसका बड़ा शानदार है। अब देखिए यहाँ पे आपका दिल खुश हो जाएगा जो ये वाला पार्ट है ये देख के। यहाँ पे देखेंगे आप तो बढ़िया सा आपका एक सिटिंग अरेंजमेंट यहाँ पे किया हुआ है। साइड में जो वॉल है उसके साथ ही यहाँ पे आप देखेंगे लाइटिंग और छोटे जो पौधे हैं वो आपके लगाए हुए हैं, तो लुक बड़ा प्यारा आ रहा है। जब भी आप यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ बैठेंगे खाली टाइम में तो बहुत ही एक अच्छा फील आने वाला है आपको। यहाँ पे सामने की तरफ देखिए आर्टिफिशियल ग्रास का यूज किया है, और ये वाला जो पार्ट है ये भी आप देख ही सकते हैं। वाटर फाउंटेन का जो सिस्टम है, लाइटिंग वगैरह इसमें प्रॉपर दी हुई है। काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको इस घर में यहाँ पे मिल जाती है। और यहाँ से आप देखते हैं तो यहाँ भी वुडन फिनिश के साथ कुछ काम किया हुआ है। CCTV जो कैमराज है वो आपके यहाँ भी लगे हुए हैं। AC वगैरह सारी चीज़ें आपने यहाँ पे देख ही ली। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में भी पूरी ही चीज़ें मेंशन कर रहा हूँ, वहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको इस घर से रिलेटेड कुछ भी क्योरी हो तो नीचे जो नंबर दिए गए हैं वहाँ पे आप कॉन्टेक्ट कर इस प्रॉपर्टी की विजिट कर सकते हैं। कोई भी सवाल हो वो आप पूछ सकते हैं। बाकी पसंद आपको अगर आया आज का वीडियो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। ऐसे और भी प्रीमियम प्रॉपर्टीज़ वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे फिर और एक नई वीडियो में नई प्रॉपर्टी के साथ। थैंक यू।